प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दोस्तों इस स्कीम का कोई भी इंडियन सिटीजन लाभ उठा सकते हैं, चाहे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। इस स्कीम में केवल नॉन एग्री एक्टिविटीज एलिजिबल हैं। एग्री एक्टिविटीज लाइक डेयरी फार्मिंग, पिस्कल्चर, एग्रीकल्चर, ऐसी एक्टिविटीज स्कीम में एलिजिबल नहीं है। स्कीम में केवल मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, सर्विसेज या ट्रेडिंग एक्टिविटीज एलिजिबल हैं। स्कीम के तीन वेरिएंट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन लोन अमाउंट। शिशु अप टू 50,000 वन रुपी से लेके 5 लाख तक, किशोर 5 लाख वन रुपी से लेके 10 लाख तक, तरुण तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट मैक्सिमम 10 लाख तक का आप इस स्कीम में लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस स्कीम का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि इसमें आपसे कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी या गारंटी नहीं ली जाती। जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपकी मार्केट में इतनी पहचान नहीं होती कि आप किसी की गारंटी दे सकें, या ज्यादातर लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो उसको मॉर्टगेज करके लोन ले सके। इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने इस लोन को कोलैटरल फ्री और गारंटी फ्री रखा है। इसकी गारंटी जो है वो खुद गवर्नमेंट देगी, CGFMU गारंटी कवर रहेगा इसमें, और उसकी गारंटी फी जो होगी वो एप्लीकेंट को बियर करनी होगी, जो कि 1-1.5% हो सकती है। वो गारंटी फी कस्टमर को या एप्लीकेंट को बियर करनी पड़ेगी, अदरवाइज थर्ड पार्टी गारंटी या कोलैटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट इस लोन में नहीं रखी गई है। मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात करें तो इस स्कीम में 50,000 तक किसी भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप 50,000 तक का लोन लेते हैं तो कोई भी मार्जिन आपको नहीं देना है, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट 50,000 से ज्यादा है, 50,000 से लेकर 10 लाख तक, आपको 10% मार्जिन खुद से कंट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो आर्टिकल खरीदने वाले हैं, मशीनरी खरीदने वाले हैं, उसकी कीमत 5 लाख रुपया है, तो 5 लाख में से 10% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसका मतलब 50,000 आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना और 4.5 लाख का लोन आपको बैंक से मिलेगा। 50,000 से अधिक अगर आप लोन लेते हैं तो 10% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ लोन। तो दो तरह के लोन इसमें आपको मिल सकते हैं, एक तो वर्किंग कैपिटल आपको डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए, और दूसरा है टर्म लोन जिसमें आप कोई आर्टिकल, मशीनरी या गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए आपको टर्म लोन मिल सकता है। और टर्म लोन का जो रिपेमेंट रहेगा वो 5 साल में आपको सारा लोन रिपे करना पड़ेगा, और जो वर्किंग कैपिटल या सीसी या कैश क्रेडिट लिमिट है उसका जो रिन्यूअल है हर साल किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैंक टू बैंक वेरी करता है, ये डिपेंड करता है बैंक के बेस रेट पे। तो अप टू 50,000 अगर आप लोन लेते हैं तो मैक्सिमम जो बैंक है वो आपको बेस रेट पे ही ये लोन देते हैं, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट 50,000 से ज्यादा है, डिपेंडिंग अमाउंट ये वेरी कर सकता है, बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। बैंक जो अपने बेस रेट है उसमें कुछ 1-1.5% ऐड करते हैं, उसके बाद में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री में कंपेयर करेंगे तो मुद्रा लोन्स जो है बाकी लोन से काफी सस्ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इस लोन में सब्सिडी मिलती है या नहीं मिलती है। तो एज पर माई नॉलेज इसमें कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती, इस स्कीम में कोई भी सब्सिडी एलिजिबल नहीं है। तो जितना भी लोन आप इस स्कीम में लेंगे आपको विद इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा।